चलिए बेटा, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है आज से हम बात करेंगे बेटा आज से रे ऑप्टिक्स की, और ये इतने टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। यस सर। वन बाय वन करके इन सभी टॉपिक्स को हम आज की क्लास में अब जो है इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा हमारे सिलेबस में जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन यस सर। ऑफ लाइट तो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सब लोग जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। स्टिल पढ़ेंगे, युवराज ओपन करो गेट, तो फिर भी देखेंगे रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। पढ़ो बेटा निशांत, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन एक सेकंड इन बेटा, विच। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। अब पढ़िए बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक्विट। हाँ, तो रिफ्रैक्शन एक फिनोमिनन है जिसमें लाइट जो है अपना रास्ता बदलती है। बट बी श्योर बेटा कि ये याद रखना कि रिफ्रैक्शन जो होता है कभी वो स्ट्रेट पाथ में नहीं होता है, हमेशा वो ऑब्लिकली पाथ में होगा। मतलब आप ये समझो कि अगर आप कहें कि ये इसका नॉर्मल है, ये क्या है इसका नॉर्मल, नॉर्मल अगर आप कहो कि लाइट यूं आ रही है तो अब कोई रिफ्रैक्ट होगी? नो, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट जो है सीधे निकल जाएगी। मतलब रिफ्रैक्शन तभी होगा बेटा जब आपका जो पाथ है ना वो स्ट्रेट ना हो। मतलब ये कैसा है? स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट बात है नहीं। हाँ, इसमें रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। रिफ्रैक्शन के ओके लिए आपको कैसा पाथ होना चाहिए? ऑब्लिक। ओके, तो ये ऑब्लिक एंगल का। आई है तो ये एंगल आपको आर देखने को मिलेगा। अगर ऐसा पाथ है तो रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? यस ओके, सो ऑब्लिकली पहली पार्ट हो गई। पढ़िए सेकंड, इट कैन ऑल्सो। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फेनोमेन ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एग्जैक्टली, जब लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपनी स्पीड बदल लेती है। ओके, ये प्रैक्टिकली ये प्रूफ भी हो चुका है कि अगर लाइट जो है बेटा, अगर रेयरर मीडियम में है, ऊपर का मीडियम रेयरर है, नीचे का मीडियम डेंसर है, ओके, तो लाइट जो है रेयरर से डेंसर जाएगी। यहाँ पर स्पीड V1 है तो यहाँ पे स्पीड V2 होगी, एंड V1 इज़ ग्रेटर देन V2। मतलब रेयरर में स्पीड ज़्यादा रहेगी और डेंसर में स्पीड कम रहेगी। वी रेयरर ग्रेटर देन वी डेंसर। समझ में डेंसर, आया? यस सर। तो ये लाइट की स्पीड का फंडा है। मतलब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ अपनी स्पीड में भी बदलाव करती है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, सर। यस। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं अपन। पढ़ो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एग्जैक्टली, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। जैसे डायग्राम में भी अपन ने देखा, ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, सबके सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। सेकेंड लॉ। सर सेकेंड लॉ, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ अ गिवन वेव लेंथ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कॉन्स्टेंट। स्नेल्स लॉ। एग्जैक्टली, तो दोनों के जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में जो रेशियो होता है बेटा वो फिक्स हुआ करता है ना। मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ये है आर। ओके, एक्चुअली इनका रेशियो जो होता है ये फिक्स हुआ करता है, और इनके रेशियो को हम बोलते हैं म्यू। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा देखते हैं इसको। जैसे मान लो बेटा ये आपके पास कोई मीडिया है, ऊपर का मीडियम है वन, मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू वन। और मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? म्यू टू, है ना। यस सर। लाइट चलेगी मीडियम वन से मीडियम टू में, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। तो बेटा जो बनेगा अपने पास साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है? ये एंगल आई का साइन है और ये एंगल आर का साइन है बेटा। ये हमेशा फिक्स होता है, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके इक्वल होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव रिलेटिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, कहाँ यस चले सर। तुम बेटा? हो गया कंप्लीट? एक एक चीज हो गई? नहीं हुई ना, सीधे बैठ जाओ। चलो देखो बेटा, तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, एक बार फिर से बात करते हैं कि दो एंगल हमारे पास बने हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल कहते हैं कि
स्नेल एक्चुअली ये बात क्या करते हैं कि साइन ऑफ आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर। एक्चुअली ये होता है रूल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के आर के प्रोपोर्शनल होता है, समझ गए? मतलब जितना आई बढ़ाओगे उतना आर बढ़ेगा। आप बढ़ा करके देख लो, अगर आपने लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्शन भी तो बढ़ जाएगा ना बेटा, बोलो येस और नो? यस सर। तो साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, तो साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर। ओके, सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड म्यू, और म्यू का टोटल जो पूरा नाम होता है दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ 2। ओके, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ 2। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 μ 2 का मीन्स होता है μ 2 बाई μ 1 μ 2 बाई μ 1। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। म्यू टू मतलब कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू वन मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू टू इज द सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू वन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू टू बाई म्यू वन। लिख लिया? यस सर। ठीक है ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, दैट इज इक्वल्स टू, एक चीज और लिखो बेटा, वी वन अपॉन वी टू। ये भी फॉर्मूला होता है क्लास टेंथ का, वी वन अपॉन वी टू। वी वन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, एंड वी टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड। यस, वी वन अपॉन वी टू। यस यस, ठीक है बेटा। अब एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, कि अगर कोई लाइट जो है रेयरर से डेंसर में जा रही है, ऊपर का मीडियम म्यू वन है, नीचे का मीडियम म्यू टू है, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, म्यू टू ज़्यादा होगा, म्यू वन कम होगा। सो अगर आप म्यू टू अपॉन म्यू वन की बात करोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन वन। हाँ या ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा ग्रेटर देन वन। और आप पढ़ चुके हो कि साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन जब ग्रेटर देन वन है तो साइन आई अपॉन साइन आर भी ग्रेटर देन वन हो जाएगा। यस, साइन आर इज ग्रेटर देन वन, मतलब साइन ऑफ आई इज ग्रेटर देन साइन ऑफ आर, इट मींस आई ग्रेटर देन आर, समझ गए? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब जो रेज होंगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन सिमट जाएगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया? यस सर। यस, सो इफ साइन आई ग्रेटर देन साइन आर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, तुम्हारी सिस्टर 10th में है इस साल? नहीं सर, 9th में। ओके, 9th में। ओके, ठीक है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल। हां सर, ये हो गया बेटा। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसका एक और केस देख लो यदि तुम जानना चाहते हो बेटा। हम जानते हैं कि म्यू टू अपॉन म्यू वन ग्रेटर देन वन है, एंड साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है वी वन अपॉन वी टू। बोलो यस और नो? हाँ यस। सो वी वन जब ये ग्रेटर देन वन है तो ये भी तो ग्रेटर देन वन होगा कि नहीं होगा, बोलो? हाँ ये भी होगा। ये तो यानी कि वी टू, वी वन अपॉन वी टू ग्रेटर देन वन, मतलब वी वन ग्रेटर देन V2. मतलब कि ऊपर स्पीड ज्यादा होगी और नीचे कम होगी, नीचे मतलब कम रेरर में स्पीड ज्यादा होगी और डेंसर में स्पीड कम होगी। कम मैं yes. अभी जो मैं बात कर रहा था कि रेरर में ज्यादा होगी डेंसर में कम होगी, तो इस तरीके से रेरर में ज्यादा होगी और डेंसर में स्पीड कम होगी। ठीक है, कम। हाँ सर, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसी में एक केस और देख लेते हैं कि अगर ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो और नीचे, सॉरी, ऊपर वाले का ज्यादा हो और नीचे वाले का कम हो, मतलब ऊपर वाला डेंसर हो और नीचे वाला क्या हो, रेरर। ठीक है ना, ऊपर वाला डेंसर हो नीचे वाला रेरर हो, तो ये देखो ऊपर वाला डेंसर है, ये रेज आ रही है और नीचे वाला रेरर है, तो क्या होगा? देखिए अपन ने पढ़ चुके हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे म्यू वन ज़्यादा है और म्यू टू कम है, बोलो? हाँ सर। यानी कि म्यू टू लेस देन म्यू वन। हाँ या ना? म्यू टू लेस देन म्यू वन पलट करके लिख दिया। सो म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या आएगा बताओ, ग्रेटर देन वन की लेस देन वन?
हाँ लेस देन वन। लेस देन वन आएगा। ओके, सो यहाँ हाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इज म्यू टू अपॉन यू वन लेस लेस देन वन है, तो यहाँ भी वो ले आएगा लेस देन वन। सो देन साइन ऑफ आई अपॉन इज लेस साइन देन ऑफ आर इज लेस देन वन हो गया, तो यहाँ पे हाँ साइन ऑफ लेस देन फाइव आर लेस देन साइन ऑफ साइन आर ऑफ आर यानी आई लेस देन आर, समझ गए? आर मतलब हाँ ये एंगल छोटा होगा और ये वाला एंगल क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा। होगा और इस एंगल को बड़ा करने के लिए रेज को कैसे जाना पड़ेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हाँ सर अभी फ्रॉम फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ गया? यस चलिए ठीक है ना। और यदि स्पीड की बात करें, यहाँ पे v1 है यहाँ पे v2 है, तो v1 अपॉन v2, आपने देखा था म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या है? लेस देन वन। तो यहाँ पे लेस भी क्या देन होगी? लेस देन वन, मतलब v1 लेस देन v2, वी टू मतलब सर डेंसर ऊपर कम पोटेंशियल कम होगी होगी नीचे ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसर में कम होती है ज्यादा रेरर में ज़्यादा होती है। ठीक है, यस यस। तो ये हो गया कंडीशन अपना क्लियर। चलिए जी, ये वाला स्लाइड कंप्लीट हो गया है। साइन ए अपॉन साइन आर क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, यस अब एक टिपिकल डायग्राम देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए एक टिपिकल डायग्राम है, यहाँ पे एंगल आई है, ये एंगल इंसिडेंस आई दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एंगल आर है, ये एंगल कितना है? आर है। अब देखो वर्टिकल सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल भी कितना होगा? आर। ओके, और ये वाले एंगल को आई होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आई होना आई पड़ेगा। इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि ये आई क्यों होगा, ये आई ही होगा, ये बाहर जाने वाला जो एंगल होगा ये आई ही होगा। इसको अपन प्रूफ करके अभी बता देते हैं कि ये आई कैसे होगा। और आई एंगल होने से जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे होती है वो पैरेलल हो जाती है। चलो देखते हैं कैसे। जैसे मान लो बेटा ये कोई ग्लास स्लैब है, ऊपर का मीडियम है म्यू वन, अंदर का मीडियम क्या? म्यू टू, और बाहर का फिर से क्या? म्यू वन, बोलो। हाँ चलो, ये रेज आई है ना, ये नॉर्मल है। देखो रेज है, ऊपर का मीडियम रेरर है, रेरर से डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स द टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल और फिर इसके बाद क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ या अवे ना? फ्रॉम द नॉर्मल हाँ चलो, सर ये एंगल आई है, इस एंगल का नाम ले लो आर वन। क्या ले लिया एंगल का नाम? आर वन आर वन, ठीक है ना। ये एंगल आई है, ये एंगल का नाम ले लिया आर वन। अच्छा बेटे, ये एंगल आर वन है तो ये भी क्या होगा? आर वन, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अल्टरनेटिंग सो ये एंगल आर वन है तो ये एंगल आर वन होगा। और ये फाइनली एंगल है बेटा, इसको इमरजेंस एंगल बोल सकते हो, ई। क्या बोलते हैं? इमरजेंस एंगल, ई, ठीक है ना। चलो अब फर्स्ट वाले के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ। तो फर्स्ट वाला स्नेल्स लॉ लगेगा वन म्यू टू, क्योंकि लाइट वन से टू में जा रही है, दैट इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन आई साइन साइन आर आर वन। बोलो यस और नो। यस सर अब चलिए फर्स्ट के लिए हो गया। ओके, वन म्यू टू को बेटा मैं क्या म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब सेकेंड वाले के लिए लगाओ बेटा स्नेल्स लॉ। सेकेंड वाले के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे लाइट टू कहाँ से जा म्यू रही है? म्यू टू से म्यू वन, यस और नो? यस सर मतलब टू म्यू वन, दो से लेके एक की तरफ जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है? यस सर तो यदि इसको खोलोगे तो क्या होगा? म्यू वन अपॉन म्यू टू, म्यू टू म्यू वन अपॉन म्यू टू होगा ना। म्यू टू हाँ ओके, सर यहाँ इंसिडेंस एंगल कितना बनेगा बेटा? साइन आर वन। हाँ या ना? सही यार ना हाँ और इंसिडेंट वैसा ही अपॉन साइन ई, साइन ई। हाँ या ना? नहीं रिलेशन नंबर टू क्लियर है? चलो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, लेफ्ट लेफ्ट को, राइट राइट को। तो ऊपर है फर्स्ट वाला है म्यू टू अपॉन म्यू वन, और ये है यस कितना? म्यू वन म्यू अपॉन वन अपॉन म्यू म्यू टू टू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर वन मल्टीप्लाइड बाई साइन आर वन अपॉन साइन ई। क्लियर है? यस आर वन से आर वन क्या हो गया? कैंसिल। म्यू टू से म्यू टू कैंसिल, म्यू वन से म्यू वन कैंसिल, यहाँ पर सर बचा वन, और यहाँ पे आ गया साइन आई अपॉन साइन ई। इक्वल ओके, सो साइन आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई, सो आई इज इक्वल टू ई। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या है? इक्वल है। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ हाँ सर इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब ये इमरजेंसी जो एंगल है इसके इक्वल है, मतलब इंसिडेंट लाइन और इमरजेंस लाइन क्या होंगी? आपस में पैरेलल। क्या होंगी? पैरेलल होंगी पैरेलल पैरेलल होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हाँ वाला सर गेट ले खोलो, लिया ले लिए। हाँ सर हाँ, सारे पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लिया करो याद से, मैं बताना भूल जाता हूँ। ये फर्स्ट पेज का ले लो। हाँ सर ये तो पीडीएफ भेज दिया ना हाँ वो तो भेजिए, है मगर मैं जो लिख रहा हूँ वो पीडीएफ में नहीं रहेगा ना।
हाँ तो मैं जो लिखता हूँ ना अलग से वो पीडीएफ में नहीं रहेगा, इसलिए उसको भी आप जो है वो कर लो। ले लीजिए सर। चलो ये चलो मैं इसका भी पीडीएफ एक्सपोर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में कर दूंगा, इसका भी बना के कर दूंगा पीडीएफ एक्सपोर्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब बात करते हैं जो हम पढ़ के आए हैं उसकी हम टिप्स की बात करते हैं। पढ़ो, म्यू इज ऑप्टिकली, म्यू ऑफ ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज लोअर एंड दैट ऑफ अ डेंसर मीडियम इज हायर। अभी हमने बताया है कि म्यू वन इज ऑलवेज लेस देन म्यू टू, तो ऑप्टिकली जो रेयर मीडियम का म्यू होता है वो कम होता है और डेंसर का क्या होता है ज्यादा ज्यादा, होता ठीक है। ना। सेकेंड पॉइंट पढ़ो। म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन वन एंड दैट ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन वन। अभी बताया था कि जब रेयरर से डेंसर जाता था तो म्यू टू अपॉन म्यू वन जो होता था ग्रेटर देन वन होता था, एंड म्यू वन अपॉन म्यू टू क्या होता था लेस देन वन, याद है ना। तो जो चीज ऊपर बड़ी रहेगी तो उसका ज्यादा रहेगा रिलेट में। चलो अगला पढ़ो। इन रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। बिल्कुल, तो हमने तो आपको बता ही दिया कि वेलोसिटी का पंगा क्या होता है, वन म्यू टू दैट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर एंड दिस इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू, हाँ या ना। अब याद करो क्लास 10th में 11th में फॉर्मूला था वेव्स का, वी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, क्या होता है वी इक्वल्स टू न्यू 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 म्यू नहीं न्यू न्यू फ्रिक्वेंसी, हाँ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, या वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा बोल दो अगर न्यू ना बोल पा रहे हो, है ना। हाँ फ्रीक्वेंसी हाँ, और अब लाइट की फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती है क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, तो यदि वी वन को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे एफ टाइम्स लैम्डा वन, और वी टू क्या होगा एफ टाइम्स लैम्डा टू, एफ सो एफ से एफ कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। लैम्डा तो एक कंसाइज एक्सप्रेशन क्या बन गया, वन म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल्स टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, क्लियर है। यस सर। नोट कर लीजिए, ये सारी रिलेशन सबको रिलेट कर देगा आपको, जितने भी होते हैं कुछ कुछ सबको रिलेट करके एक कर देगा ये। हाँ सर। ओके चलिए एक सेकंड बेटा। सर तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप, एक कंपोजिट रिलेशनशिप हमको यहाँ पे मिल गई है। अब ये भी देख लिया हमने, तो ये स्टेटमेंट जो आपको मैंने पढ़ाया था, एक सेकंड थोड़ा सा हैंग हो गया ये, 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया, चलिए पढ़ो। इन रिफ्रैक्शन, इन रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। यस मैंने अभी बताया था फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है और फेज कभी चेंज नहीं नहीं होता। होता है, समझ गए ना, फेज कभी चेंज यस नहीं सर। होता। अब इसके बाद देखिए ए म्यू एम, ओके ए म्यू एम, तो मैंने अभी अभी आपको बताया ए म्यू एम इज इक्वल टू वी इन एयर अपॉन वी इन मीडियम, यस याद आया याद है ना। हाँ हाँ अभी अभी क्लियर किया मैंने कि जी भैया वन म्यू टू इज इक्वल्स टू होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, और मीडियम के उल्टा चलती है वेलोसिटी, तो वी वन अपॉन वी टू, समझ गया बिल्कुल ना। तो स्पीड ऑफ लाइट को सी से लिया जाता है, तो इसको कुछ लोग सी वन अपॉन सी टू भी लिख सकते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, जो हमने बताया वो भी सही है। यस एंड देखो लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, यस और नो। हाँ सर। सो ए म्यू एम इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम, अभी अभी मैंने बताया है पीछे आपको देखिए, हाँ है ना, लैम्डा की किस, देखो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू आया था ना, तो यहाँ पे भी वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, या लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम, मीडियम। क्लियर है। यस सर। ओके लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम ये हो गया, चलिए यस। सो लैम्डा इन, अब चलिए अगला कंसेप्ट आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ओके प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एक बहुत सिंपल सी बात कहता है, एक बहुत अच्छी सी बात कहता है।
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर आपके पास वन म्यू टू इज इक्वल टू, मान लो कोई नंबर है आपके पास 1.5, समझ गए, वन म्यू टू इक्वल टू कुछ है, समझ गए, पहले मेरे शब्दों में समझ लो फिर इसको रूल वाइज समझाऊंगा। मतलब वन म्यू टू का मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ओके, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के कुछ है, तो इसका उल्टा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम कितना होगा बेटा, 1/1.5 होगा। बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर, देखो अगर म्यू टू बाई म्यू वन आ रहा है, 1/1.5 आ रहा है, तो पलट दोगे तो 1/5 हो जाएगा पलट दोगे ना, तो? हाँ सर, यस और नो, वन है बाय ना? वन पॉइंट फाइव यस हाँ, सर। मतलब आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि एयर म्यू ग्लास इज इक्वल टू 1/ग्लास म्यू एयर, हाँ या ना, हाँ सर, या ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1/ किसके होगा, एयर एयर से ग्लास में जब लाइट आएगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, समझ में आया? यस सर, तो मोटी मोटी बात क्या हो गई कि 1 μ2 इज इक्वल टू 1/2 μ1, ओके। टू मिनट। हाँ अब सर, आइए रिवर्सिबिलिटी को प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे प्रूफ होगा इसका, और ये देख लेते हैं रिवर्सिबिलिटी का प्रूफ। आपके पास बेटा ये नॉर्मल है, ये मान लीजिए मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, ठीक है ना, यस सर, यहाँ से आपने लाइट दी और आपके पास म्यू टू जो है वो ग्रेटर है और म्यू वन जो है कम है, मतलब रेयरर टू डेंसर हो रहा है, ठीक है बेटा, ये लाइट यहाँ से गई, क्लियर है? यस सर, तो आप क्या लिखेंगे, 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ सर, लिखोगे ना? हाँ चलो अब यहाँ पे एक मिरर रख दो, यहाँ पे एक मिरर रख दो, तो अब देखो बेटा ये आपका बन गई, अब अभी तक ये इंसिडेंट लाइट थी और ये रिफ्रैक्टेड लाइट थी, बट अब ये बन जाएगी इंसिडेंट और ये क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टेड, हाँ या ना? तो टू, हाँ अब अपने पास क्या बनेगा बेटा, अब लाइट जो है पहले वन से लेके टू में जा रही थी, अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, टू से लेके वन वन में, में, बोलो यस और नो? यस सर, 1 μ2 क्या हुआ करता था, म्यू टू अपॉन म्यू वन, यस और नो? म्यू वन, और हाँ टू म्यू वन कितना होगा, म्यू वन अपॉन म्यू म्यू वन टू अपॉन म्यू टू इक्वल टू साइन आर साइन बाय साइन आर आर, अपॉन साइन आई, क्लियर है? यस सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 μ2 और 2 μ1 को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मीन्स 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2 μ1 इक्वल्स टू कितना, वन वन, मतलब मीडियम 1 μ2 सेकेंड मीडियम का फर्स्ट रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू फर्स्ट मीडियम का सेकेंड के रिस्पेक्ट में सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कितना वन होता है, वन, क्लियर हो गया? वन, हाँ मतलब सर, 2 μ1 इज इक्वल टू 1/1 μ2, क्लियर हुआ? यस है ना, सर, तो इसके अच्छे अच्छे एप्लीकेशन क्या बन सकते हैं कि एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 1/ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू 1/ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट, ठीक है ना? तो अच्छे से याद कर लो, 1 μ2 इज इक्वल टू 1/2 μ1, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है बेटा? यस सर, चलो तो पढ़ दो बेटा इसको, ए, अभी मैंने यहाँ पे मीडियम ए लिया है और मीडियम बी लिया है, तो ए और बी लेके सॉल्व किया है, पढ़ो बेटा ए म्यू बी। ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इज इक्वल टू वन, और ए म्यू बी इज इक्वल टू वन बाय बी म्यू ए, पढ़ो, इफ अ रे ऑफ लाइट, इफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड और रिफ्लेक्शंस हैज इट्स पाथ रिवर्स एट एनी स्टेज, इट ट्रेवल्स बैक टू द सोर्स अलोंग द सेम पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? हाँ सर, मतलब अगर लाइट को जो है आप जो है अगर चेंज कर देते हो, मिरर लगा देते हो, तो अपने ओल्ड पाथ को रिट्रेस करेगी, समझ में आया? हाँ सर, हाँ, अच्छा, ये जो है मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक जनरल नॉलेज वाली बात है कि ये जो घटना है, ये जो इवेंट है, ये सपोर्ट कर रही है
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है सपोर्ट कर रहा है किसको, कॉन्जुगेट पोजीशंस को, किसको, कॉन्जुगेट पोजीशन को। पोजीशंस। एक तरीके से तुम ये समझो कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था जिसकी लाइट चली थी, बोलो हाँ, और इमेज यहाँ पर बनी थी कि नहीं बनी थी, मिरर के ऊपर। फिर जब यहाँ से लाइट चल रही, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहलाएगा और इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, समझ गए ना। हाँ सर। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की चीज़ों में अदला बदली होती तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पोजीशंस। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पढ़ो, पोजीशंस, अनैचुरल कंसिक्वेंस। अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज दैट द इमेज एंड ऑब्जेक्ट पोजीशंस कैन बी इंटरचेंज। दीज पोजीशंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजीशंस। एग्जैक्टली, दीज पोजिशंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पोजिशंस। इन पोजिशंस को हम कॉन्जुगेट पोजिशन कहते हैं, ठीक है हाँ ना। सर। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, केवल ऐसे जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया आपको। चलिए, अब इसके बाद बेटा आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब, ठीक ना। रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब, एक पैरेलल स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कितना होता है वो हम देखेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, एक पैरेलल स्लैब बना लेनी है, जैसे ही हम बनाते आ रहे हैं। इसको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोड पे डालता हूँ तो देखने में मज़ा आएगा आपको। चलिए, यस, ओके। तो ये अपने पास एक स्लैब है, ओके, यस, ये हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। और ये अपने पास एक पैरेलल स्लैब है, बाहर का मीडियम रेरर है बेटा, बाहर के मीडियम का नाम ए दे दिया है, अंदर के मीडियम का नाम बी दे दिया है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंदर के मीडियम का वो है म्यू, ठीक है। थिकनेस है टी, जो स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, टी है, ओके, स्लैब की थिकनेस टी है। चलिए, अब देखिए यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आएगी इस तरीके से। तो लाइट को एक्चुअली जाना कैसा था, ऐसे जाना था, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। मगर लाइट का जो फाइनल पाथ है वो देखो कैसा गया है, ये गया हुआ है, ठीक है ना, गया है ना बेटा ये वाला पाथ। देखो थोड़े से मैं इसको हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेज़र पॉइंटर। देखो जो लाइट का एक्चुअल पाथ था बेटा वो ये है, ओके, बट लाइट गई कैसी है, यूं होके गई है ना, सर। मतलब एक्चुअल रास्ते में और जो लाइट का जो रियल पाथ है उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं है। हाँ सर। तो ये जो बीच का गैप कहलाता है इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है ये, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, आ गया समझ में। हाँ सर। हाँ, तो ये हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट काउंट करने को कई बार आता है, तो ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। चलिए, यस सर। जस, तो अब हमें सॉल्व करना है इसको, तो हम दोनों जगह नॉर्मल डाल लेते हैं, एक जगह नॉर्मल ये और एक जगह नॉर्मल ये, क्लियर। यस सर। बना लीजिए डायग्राम आप मेरे साथ साथ, जल्दी से, जल्दी से डायग्राम बना लो। बना लिए, सर एक मिनट। तो अब जो है, सेकेंड, कम बैक। सो बेटा ये इसके जो है ये अपन को दोनों नॉर्मल बनाने हैं, ओके, ये नॉर्मल बनाइए दोनों बेटा, और नॉर्मल से ये परपेंडिकुलर डाल दो। ये जो वाई है बेटा यही है हमारा, क्या, यही हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना। हाँ ये वाई जो निकलेगा बेटा यही हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। चलिए, तो इस वाई की वैल्यू हम आपको बता देते हैं पहले, मगर एंगल नोटेशंस दे दो। सबसे पहले बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ले लो इसका नाम आई वन है, ये है आर वन, ठीक है ना, ये है आई वन और ये क्या होगा, आर वन। अगर बार ये आर वन है तो ये वाला भी क्या होगा बेटा, ये भी आर वन होगा, बार ओके। ऑल्टरनेटिंग हाँ, वो आर वन आई टू दोनों इक्वल हो जाएंगे, डोंट वरी, उसको मैंने आई टू दिया है, आप ब्रैकेट में कहीं लिख लो, आई वन आई टू इज इक्वल्स टू आर वन, ठीक है।
ओके चलो ये देखो, ये जो है ये एंगल क्या कहलाता है, ये वो एंगल है कि लाइट कितना डेविएट हुई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ये एंगल डेल्टा है, इसका नाम डेल्टा दे दो, ये बहुत ही स्मॉल एंगल होता है। हाँ सर, डेल्टा। ओके, ये डेल्टा एंगल स्मॉल एंगल है। अब देखिए इसके बाद बेटा, ए म्यू बी, अगर आप म्यू की बात करें ए से लेके बी में, तो क्या बनेगा, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर, ओके, एंड बी म्यू ए कितना बनेगा बेटा, साइन आई टू अपॉन साइन आर टू, क्लियर ना। हाँ नाउ ए म्यू बी इक्वल टू बी म्यू ए इंटू वन, वन हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ए। ए म्यू बी इंटू बी म्यू इक्वल टू कितना होगा, वन, क्योंकि ए म्यू बी कितना होता है, म्यू बी अपॉन म्यू ए, और बी म्यू ए कितना होता है, म्यू ए अपॉन म्यू बी। हाँ नहीं आया समझ में, आ गया सर। नहीं आया है तो सही से ही बोलना। देखो बेटा, ए म्यू बी जो होता है वो टूटेगा, अगर खुलेगा तो वो बनेगा म्यू बी अपॉन म्यू ए, और बी म्यू ए कितना बनेगा बेटा, म्यू ए अपॉन म्यू बी, तो दोनों लड़ मरेंगे, लड़ मर के दोनों कितने हो गए, हाँ वन हो गए कि नहीं हुए, म्यू अपॉन, सर, क्लियर ना। ओके चलो, अब इसके बाद देखो, अपन जानते हैं कि जो एंगल आई वन है आर वन है, ठीक है, जो आई टू है एंगल वो आर वन के क्या है, इक्वल है कि नहीं है, बताओ, है हाँ सर, ना। एंगल जो हाँ आई टू है वो आर वन के क्या है, इक्वल है। इक्वल है। हाँ सर, अभी ओके बताया था। ठीक है, एंगल आई टू जो है वो आर वन के इक्वल है, इट इम्प्लाइज दैट आई वन इक्वल टू आर टू एंड आई टू इज इक्वल टू आर वन, सिंस आई वन इज नॉट इक्वल टू आर वन एंड आई टू इज इक्वल टू नॉट इक्वल। हाँ, तो ये नीचे वाली बात तो कोई यूजलेस है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल होता नहीं, तो ले दे के होगा क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलो यस, हाँ सर, क्योंकि कैंसिल। आई वन और आई टू इक्वल है आपस में, देख लो ये आई वन है, सॉरी बेटा मैंने गलत कैंसिल कर दिया, मेरे को कैंसिल करना था आर वन को और आई टू को, तो आर वन और R1 आई टू को मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। I2। हाँ हाँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन आई वन अपॉन साइन आर टू इज इक्वल्स टू वन, यानी कि साइन आई वन इज इक्वल टू साइन आर टू, मतलब आई वन इक्वल टू आर टू, क्लियर है। हाँ सर, चलो बन जाएगा ना। चलो अब इसके बाद आती है बात लेटरल शिफ्ट की, बेटा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला लिख लो, टी शाइन डेल्टा अपॉन कॉस आर वन, ये लेटरल शिफ्ट, ये वाई जो है ना इसको बोलते हैं अपन लेटरल शिफ्ट, लेटर। जी हाँ लेटरल शिफ्ट, वाई इज इक्वल टू टू साइन टी साइन डेल्टा अपॉन कॉस आर वन। ओके हाँ सर, और यहाँ दूसरे वाले में ये डेल्टा को I1 - R1 लिखा है। और सॉरी, ये दूसरे वाले में Y=T sin। एक्चुअली ये डेल्टा है ना, डेल्टा क्या होगा बेटा, ये टोटल आई वन था, बोलो हाँ, हाँ, टोटल जो I1 आई वन था वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, आर वन में और प्लस डेल्टा में, बोलो हाँ, और I1। है ना। तो आर डेल्टा इक्वल टू क्या हाँ होगा, आई वन माइनस आर वन, क्लियर है ना, हाँ बन जाएगा। हाँ सर, तो डेल्टा को आई वन माइनस आर वन कर दिया, एनी प्रॉब्लम, नहीं सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, नाउ साइन ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलो देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ये भी अपन ला सकते हैं, प्रूफ करना इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसका मैं प्रूफ भी करने को यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रूफ, ठीक है बेटा। हाँ सर, चलो देखो, सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, आर वन वाला, ठीक है ना बेटा। तो आर वन वाले ट्रायंगल में कॉस आर वन इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलो होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, बेस कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टी, हाँ या ना, हाँ और ठीक। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं होगी, हाँ इसका पूरे का नाम दे दो कुछ, ए बी, क्या नाम दे दिया, ए बी, तो टी एबी। ए बी, तो यहां से बेटा अपन को टी अपॉन ए बी, ये आ गई अपने पास वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यदि मैं यहां से कहूँ ए बी की वैल्यू, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर वन, बोलो होगा कि नहीं होगा,
होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, कौन सी है? ए बी इज इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर वन। नहीं आसानी है। सर आ गया ना, ओके, टी अपॉन कॉस आर वन। अब आ जाओ बेटा इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा लगाते हैं अपन। कौन से वाले ट्रायंगल में? ये जो ट्रायंगल दिया गया है, ये बड़ा वाला, समझ गया ना? ए बी एम में, ए बी एम में, क्लियर? चलो ए बी एम में साइन थीटा लगाओ। तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना? वाई है कि नहीं है? हाँ सर और परपेंडिकुलर वाई है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देखो 90 डिग्री के सामने की साइड, ये जो निकला है ए बी हाइपोटेनस है कि नहीं है, बोलो। हाँ ए बी, तो ए बी क्लियर हुआ। हाँ सर, तो वाई की वैल्यू अपन को चाहिए, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, मल्टीप्लाई कर दो साइन डेल्टा से, ए बी साइन डेल्टा, क्लियर ना? ए बी की वैल्यू क्या है? टी अपॉन कॉस आर वन। तो आंसर कितना ठीक आएगा? है सर। टी साइन डेल्टा अपॉन कॉस आर वन इज सर टू वाई। आ गया? हाँ सर, यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था? हाँ यही। ठीक है ना। चलो अब इसका स्पेशल केस लिख लो कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा। एंगल अगर बहुत छोटा है तो साइन, सुनो सुनो, छोटे एंगल होने के लिए एक कन्वेंशन यूज़ किया जाता है, साइन थीटा नियर अबाउट थीटा, साइन थीटा नियर अबाउट थीटा, समझ गए? थीटा, तो यहाँ पे हाँ एक साइन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? टी ब्रैकेट में केवल बचेगा आई वन माइनस आर वन, और कॉस आर वन छोटे एंगल के लिए कॉस आर वन 0 के बराबर मान लो, तो कॉस बराबर कितना होता है? 1। तो कितना बचेगा? केवल टी आई वन माइनस आर वन। समझ में आया? हाँ टी सर, आई वन माइनस आर वन, क्लियर है? हाँ कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से टी आई वन अपॉन आर वन, ठीक ना? चलो नोट कर लो इसको भाई, फिर इधर से थोड़ा सा इरेज करो इसको, एक चीज़ दिखानी है आपको, ये लीजिए। हाँ लिखो, आई वन कॉमन ले लोगे तो टी आई वन हाँ वन माइनस वन अपॉन ए म्यू बी। एनीवे ठीक है ना? कैसे आया पता चला? देखो टी वाई इज इक्वल टू टी है, आपने आई वन कॉमन ले लिया, तो आई वन कॉमन लोगे तो वन माइनस आर वन अपॉन आई वन बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ? है ना? हाँ। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, बोलो। हाँ हाँ पढ़ा था ना? हाँ हाँ। तो बेटा छोटे एंगल के लिए साइन आई वन के दोनों के साइन साइन गायब कर दो, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई वन अपॉन आर वन। हाँ या ना? हाँ तो सर, हमको आई वन आर अपॉन वन आर अपॉन आई वन चाहिए ना, तो आर वन अपॉन आई वन वन अपॉन म्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ वन अपॉन वन अपॉन, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बेटा तो इतना ही आज के लिए फिनिश करते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। यहाँ पे शो को एंड करते हैं, और एक सेकेंड इसको पहले कीप करें कि डिस्कार्ड कर दें। हेलो, सर वैसे तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं मैंने, स्क्रीन डिस्कार्ड कर दीजिए वैसे। डिस्कार्ड कर दूँ? स्क्रीनशॉट ले लियो ना? हाँ, मैंने हर एक चलो पेज का ले लिया ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसका मैं वो बन एक्सपोर्ट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल।